दोस्तों कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं नेक्स्ट जेन अर्टिका का टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस ऑबन रेड कलर में। ये आज मैं आपको चेक करा रहा हूँ, टॉप मोस्ट वेरिएंट है। दोस्तों क्या कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, फेसलिफ्ट 2022 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सब कुछ आज अपने इस वीडियो में चेक करेंगे। ये दोस्तों आती है मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक में। यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट किया है, पहले ऑटोमेटिक 4 स्पीड में आता था, अब 6 स्पीड पे आ रहा है। और खास बात यह है, पहले टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था, लेकिन अब आपको मैनुअल के अलावा अगर आप ऑटोमेटिक परचेज करना चाहेंगे तो टॉप मोस्ट में ऑटोमेटिक भी आ गया है। प्रेजेंट में दोस्तों इस गाड़ी का एक्सोरूम कॉस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन का है 11,29,000 रुपीज़ और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का है 12,79,000 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट अर्टिगा ZXi प्लस नेक्स्ट जेन फेसलिफ्ट वर्जन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, फेसलिफ्ट में यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। इस गाड़ी की ग्रिल पहले से डिफरेंट कर दी गई है, ये डायनेमिक विंज ग्रिल यानी पंखे के पैटर्न पे इस गाड़ी की ग्रिल को डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये गाड़ी देखिए फ्रंट से थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रही है, फेसलिफ्ट वर्जन है तो यहाँ पे फेस में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसके अलावा टॉप मोस्ट वेरिएंट है, हालांकि दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड है, हर वेरिएंट में आपको मिलेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि ये येलो कलर की लाइट के साथ हैं। उसी के बगल में हाई बीम का रिफ्लेक्टर लैम्प दे रखा है और यहाँ पर फॉग लैम्प्स दिए हैं, हालाँकि फॉग लैम्प ZXi एंड ZXi प्लस दोनों वेरियंट में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस गाड़ी को फ्रंट पर चेक कर लिया, चलिए चलते हैं साइड प्रोफाइल में, देखते हैं क्या कुछ आपको नया मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायमेंशंस स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप सारे चेक कर लीजिए। ये देखिए मशीन टू टोन एलॉयज, यहाँ पे पहले वाली अर्टिगा से एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन में चेंज किया गया है। टू टोन का मतलब हो गया पियानो ब्लैक फिनिश, और ये देखिए सिल्वर फिनिश में एलॉय व्हील्स हैं। और साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 185/65 R15 इंच के ये व्हील्स मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आउटसाइड मिरर्स देखिए इंडिकेटर्स के साथ ब्लिंक कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रीमियम लग रहे हैं इसके हैंडल्स, क्योंकि ये क्रोम फिनिश में दे रखे हैं। हालांकि क्रोम फिनिश ZXi वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है, मैंने VXi एंड ZXi का पहले रिव्यू किया हुआ है, तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। स्मार्ट एंट्री बटन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें स्मार्ट कीज आती हैं, अभी जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको ये चेक करवा दूंगा। तो चलिए इस साइड पे आ जाता हूँ, यहाँ से देख लीजिए फ्यूल इंटेक एरिया इस तरफ दे रखा है, ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे आएगी। चलिए बढ़ते हैं इस गाड़ी के बैक साइड पर और देखते हैं न्यू फेसलिफ्ट ZXi प्लस अर्टिगा को। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का पीछे से लुक आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों फेसलिफ्ट वर्जन नेक्स्ट जेन अर्टिगा में ये देखिए यहाँ पर क्रोम कि ये गार्निश यूज़ की गई है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का पीछे का लुक देख सकते हैं डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी यहाँ पे टेल लैंप चेक कर लीजिए, 3D पैटर्न के टेल लैंप्स दिए हुए हैं। बम्पर्स में आपको मिल जाएंगे सेंसर्स जो कि सभी वेरिएंट में आते हैं, और कैमरा ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस में मिलेगा। बाकी रियर वाइपर डिफॉगर्स आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सटीरियर से इस गाड़ी को कम्प्लीटली आपको चेक करा दिया, चलिए चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं क्या कुछ नया आया है। इसकी कीज़ गाड़ी के अंदर रखिए, तो ये देखिए ये हैं इस गाड़ी की, चेक कर सकते हैं स्मार्ट कीज़, यहाँ पे आप देख लीजिए लॉक अनलॉक का बटन है, स्मार्ट कीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको चेक कराया था डोर्स पे, ये स्मार्ट एंट्री बटन है, कीज़ अगर आपके पास में है या फिर पॉकेट में है तो आपको बस इस बटन को प्रेस करना है, गाड़ी लॉक या फिर अनलॉक हो जाएगी। इवन ये जो इसके आउटसाइड मिरर्स हैं ये भी की सिंक हैं, लॉक के टाइम पर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे ZXi प्लस वेरियंट पर। तो चलिए वापस रखता हूँ की को अंदर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो कीज़ को मैं रख देता हूँ इधर की तरफ और दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट जेन मारुति अर्टिगा का टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस। इंटीरियर लुक दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए डुअल टोन इंटीरियर दिया हुआ है। नेक्स्ट जेन पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी फिनिश चेक करेंगे, ये देख सकते हैं डैशबोर्ड पे, इधर तक दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये मेटालिक टीक वुड फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये पहले वाली अर्टिगा से यहाँ पे डिज़ाइन फिनिश थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, पहले थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में आती थी, उसको चेंज करके यहाँ पे फ्रेश लुक वुडन फिनिश आपको देखने को मिलेगी। डोर ट्रिम्स, डैशबोर्ड, इवन जब आप टॉप मोस्ट वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके स्टेयरिंग पे भी वुडन फिनिश आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दोस्तों यहाँ पे इसके स्टेयरिंग को डिज़ाइन किया गया है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी अगर इसकी अपोस्ट्री चेक करेंगे तो देखिए डुअल टोन पे ये फैब्रिक सीटें आप देख सकते हैं, यहाँ पे
जितनी भी आप सेटिंग्स देखेंगे दोस्तों सब में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और ड्राइविंग सीट जो है वो ZXi वेरिएंट से यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिलती है। तो ये मैनुअल, इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों डोर पैनल की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए चारों पार्टों के कंट्रोल्स है, जिसमें ड्राइविंग साइड पर ऑटो लिखा है, वन टच डाउन एक बार में नीचे जा रहा है, वन टच अप विद एंटी पिंच फीचर मिलेगा, हाथ को सेंस करा रोल बैक कर गया। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग एडजस्टेबल्स मिल जाते हैं, हालांकि ZXi वेरिएंट से आ जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे स्पीकर्स नीचे की तरफ लगे हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्यूटर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया इस गाड़ी का थोड़ा सा आपको मैंने डोर पैनल और डिज़ाइन अंदर का चेक करा दिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे सिटिंग स्पेस की। तो पहले तो सबसे पहले आपको इसका बूट चेक कराते हैं, फिर एक एक रो पे बैठ के चेक करेंगे कितना स्पेस मिलेगा। तो देखिए ये है 7 सीटर मारुति की, बहुत ही बिकती है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। आगे 2 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है, सेंटर पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, 60-40 स्प्लिट पे है। उसके पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पे 2 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है 50-50 स्प्लिट पे, और जब सारी सीटें अपनी पोजिशन पर रहेंगी तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 209 लीटर का दोस्तों ये देखिए बूट में स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा ये फ्लैप्स हैं, ये 2 स्प्लिट फ्लैप दे रखे हैं, इसके नीचे आप टूल्स या फिर आप लगेज को रख सकते हैं। और जो उसका स्पेयर व्हील है वो देखिए तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्टील पे दिया है, ये बाकी व्हील्स की तरह एलॉयज में नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं केबिन की तरफ और देखते हैं सिटिंग स्पेस। दोस्तों 7 सीटर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि कितना अंदर की सिटिंग पे स्पेस मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने हर अर्टिगा के वीडियो पे सिटिंग स्पेस चेक कराया है। इनफैक्ट अगर मेरे आप सारे वीडियोस चेक करिए जिसपे मैंने 7 सीटर डिस्प्ले करी है, तो सारी सीटों पर बैठने के बाद मैंने उसमें स्पेस दिखाया ज़रूर है। मेरी हाइट है देखिए 5'8". ड्राइविंग सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, और देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया लेग रूम है। बट यहाँ पे दोस्तों एडजस्टमेंट है, यानी यहाँ पे स्लाइडर है, तो आप जितना इसको आगे ले जाएंगे देखिए उतना लेग रूम यहाँ पे ख़त्म होता जाएगा, थर्ड रो पे उतना स्पेस बनता जाएगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं आइडल पोजीशन पे, जिससे आगे भी यहाँ पे लेग रूम दिखे। देखिए इस समय इतना लेग रूम है, आप चेक कर सकते हैं। अब जब पीछे बैठेंगे इसी पोजिशन पर तो आपको समझ में आएगा कितना स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। चलिए बाकी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए पावर सॉकेट दिया हुआ है, मोबाइल चार्जिंग वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर साइड पर 3 पॉइंट देखिए एसी ब्लोवर स्पीड यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रिप्स फोल्डिंग टाइप है। यहाँ पे पीछे का डोर आप चेक कर लीजिए, देखिए क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स हैं। बाकी डोर्स पे ये पीछे के डोर पे भी यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे सिस्टम के लिए। इधर तरफ देखिए वाटर होल्डर है, और एक बड़े साइज़ का मैप पॉकेट यानी मैगजीन होल्डर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये सीट को मैं नहीं टच करूंगा, इसी पोजीशन में बैठेंगे। बैक रेस्ट थोड़ा सा सिस्टम है इधर है, तो इसको और कंफर्ट बढ़ाने के लिए मैं बैक रेस्ट यहाँ से थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ। इस पोजीशन में बैक रेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आराम से बैठ पाऊँ। अब इसी पोजीशन में बैठेंगे इसमें पीछे की तरफ। पीछे की सीटिंग पे जाने के लिए यहाँ पे इस सीट को मैंने पूरा आगे की तरफ स्लाइड कर दिया है, और इस लीवर से इसके बैक रेस्ट को इधर नीचे की तरफ गिरा देते हैं, और ये देखिए पैसेज बन गया इसकी थर्ड रो में जाने के लिए। अब यहाँ पे बैठते हैं और आपको दिखाते हैं लेग रूम। दोस्तों 7 सीटर है तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लेग रूम। ये मैंने आपके लास्ट वीडियो में दिखाया था, इसका जो हेडरेस्ट है ये अगर नीचे की तरफ रहेगा तो आपकी कहीं ना कहीं पीठ पे टकराएगा, इसीलिए देखिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है। अब ऊपर करने के बाद यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा पीछे तरफ ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से मैं आराम से बैठ सकता हूँ। और देखिए लेग रूम को, तो दोस्तों आगे आपने लेग रूम चेक किया था कितना था, अब यहाँ पर जज कर लीजिए इसमें कितना लेग रूम है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इस समय आगे के मुकाबले पीछे लेग रूम थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। पैर जरूर मेरे देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ गए हैं, और ये जो सीट है ज़्यादा ऊंची नहीं है, जिसकी वजह से देखिए हल्के से पैर टकरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर हम नी रूम की बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छा नी रूम मिल रहा है। अगर आपकी हाइट भी मेरे हाइट के अकॉर्डिंग यानी 5'8" के आसपास है, तो आप ईज़िली जज कर पाएंगे कि जब आप अर्टिगा में बैठेंगे थर्ड और सिटिंग में तो कितना आपको स्पेस मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर पीछे की सेटिंग से दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो देखिए यहाँ पर भी एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, कप होल्डर मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ ग्रिप है, सेंटर पे यहाँ पे देख सकते हैं इधर रखी है इसकी लाइट। और दोस्तों रूफ माउंटेड एसी लगे होने की वजह से फ़ायदा ये है कि यहाँ पे थर्ड रो पे भी एयर का फ्लो
अच्छा मिलता है। अगर ये नीचे की तरफ कहीं प्लेस्ड होता तो उतना अच्छा फ्लो आपको नहीं मिलता। तो अर्टिगा में ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे रूफ़ माउंटेड एसी है और उसमें भी पॉइंट्स हैं, यानी आप इसके एसी के ब्लोवर स्पीड को कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आइसोफिक्स सीट्स की मार्किंग है सेकेंड रो सीट्स पे, यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को आप लगा सकते हैं। तो ये एज अ सेफ्टी हो गया। चलिए अब मैं निकल आया इस गाड़ी के पीछे की साइड से। आपने पीछे की सीटिंग देख ली, इधर की सीटिंग देख ली, और दोस्तों यहाँ पर चाहे इसकी थर्ड रो सीटिंग हो या फिर सेकेंड रो सीटिंग हो, ये रिक्लाइनर आती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बैक रेस्ट के कंफर्ट को सेट कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं ड्राइविंग साइड की तरफ और देखते हैं क्या कुछ आपको आगे इसमें मिलेगा। चलिए दोस्तों ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट जेन अर्टिगा टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस में क्या कुछ खास दिया हुआ है। तो बात करते हैं इसमें इस साइड से, तो देखिए इसमें स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है, तो यहाँ पे आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको स्लाइड करके सेट कर पाएंगे। अंदर तरफ इसमें बॉक्स दिया हुआ है और एक आर्म रेस्ट दोस्तों यहाँ पे मिडिल रो सीट पे भी देखिए सेंटर पे लगा है। बाकी दोस्तों और फीचर्स की बात करते हैं तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, ये देखिए प्रीमियम स्टीयरिंग आपको इसमें मिलेगा। डिज़ाइन वाइज बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्टीयरिंग आप चेक कर सकते हैं। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट साइड पे दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्रूज़ लगा के अगर आप हाईवे पे हैं, रास्ता खाली है, तो क्रूज़ पे डाल दीजिए। एक्सेलेटर को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से गाड़ी के एक्सेलेटर को कंट्रोल कर पाएंगे। स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, इधर तक लीवर है, तो आप इसके स्टीयरिंग को अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और नया अपडेट आया है, ये पर्टिकुलर वेरिएंट मैं आपको ऑटोमेटिक पे दिखा रहा हूँ। तो जब आप ऑटोमेटिक में अर्टिगा को परचेस करेंगे तो साथ में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए एक और प्रीमियम फीचर है, एक और कंफर्ट फीचर है, यहाँ पे आपको मिलेगा पैडल शिफ्टर्स। तो अगर आप मैनुअली गियर्स को ऑपरेट करना चाहते हैं, किसी वजह से इंस्टेंट एक्सेलरेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने एक प्रीवियस पैडल शिफ्टर का वीडियो बनाया हुआ है कि इसका क्या फ़ायदा रहता है, कैसे ये वर्किंग करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो मोड पे रखिए, जैसे ही अंधेरे को ये सेंस करेगा ऑटोमेटिकली हेडलैम्प्स को ऑन कर देगा। तो ये भी फीचर आपको मिल जाएगा इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट में। और सेफ्टी की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है। ड्यूअल एयरबैग्स पहले भी आते थे, यहाँ पे एक एयरबैग स्टीयरिंग पे है, दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो फ्रंट की सीट्स हैं इनमें भी एयरबैग्स आ गए हैं, यानी चार एयरबैग्स आपको अब इस गाड़ी पर मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट, यानी बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर को बढ़ाया है। फोर एयरबैग्स अब आपको अर्टिगा के टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें ABS है, EBD है, ब्रेक असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड पे, तो देखिए ये ट्रैक्शन कंट्रोल जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम बताया उसको ऑन ऑफ करने का यहाँ पर स्विच है। ये हेडलैम्प बीम एडजस्टर दे रखा है और ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें दे रखी है। आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर मिल जाता है, अगर आप इसको ऑन किया हुआ है गाड़ी जैसे ही ट्रैफिक कंडीशन पर रुकेगी ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देगा। ब्रेक दबाएंगे ऑटोमेटिक में और क्लच दबाएंगे मैनुअल में तो गाड़ी वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बचता है फ्यूल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और ये कि इधर स्पेस दे रखा है, कुछ सामान या फिर कार्ड्स वगैरह को रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके मीटर की, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत कलरफुल डिस्प्ले इसमें मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, सेंटर पर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जिसमें देखिए यहाँ पर ये लीवर है, इससे इन्फॉर्मेशन स्विच करके आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर डिस्प्ले करेंगी, देख सकते हैं ये देखिए। चलिए अब और बात करते हैं और नए फीचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो, स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पे प्रो वर्जन है, ज़्यादा एडवांस वर्जन दिया है इसके म्यूज़िक सिस्टम पे टॉप मोस्ट पे। देखिए हाई सुजुकी, देखिए वॉइस कमांड्स भी ये लेगा। तो यहाँ पे ये भी एक नेक्स्ट जेन है, यहाँ पे और एडवांस गाड़ी को बनाया है, जिसकी वजह से देखिए वॉइस कमांड्स हैं इसमें काफ़ी सारे फीचर्स, आप वॉइस कमांड देके यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे माइलेज वगैरह भी इधर शो करेगा। इसके अलावा इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, चार स्पीकर हैं हर डोर पर और आगे की तरफ दिया हुआ है ट्विटर्स। साथ में दोस्तों यहाँ पर सुजुकी कनेक्ट भी आ गया है। अब फेस लिफ्ट 2022 अर्टिगा में ZXi एंड ZXi
Ti Plus दोनों में आपको Suzuki Connect मिलेगा, जिससे आप रिमोटली काफ़ी सारे फीचर्स को ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये एक ऐप कनेक्टिविटी के साथ गाड़ी आती है। बाकी दोस्तों AC ऑटोमेटिक दिया हुआ है, टेम्परेचर को सिर्फ आपको करना है सेट। ऑटो मोड पर रखिए गाड़ी, वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। फर्दर नीचे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए USB पोर्ट रखा है इसमें पेन ड्राइव वगैरह को लगाने के लिए। ऑक्सिलरी पोर्ट दोस्तों यहाँ पे नहीं आता, ना ही ZXi में आता है, ना ही ZXi प्लस में दे रखा है। इसके अलावा इधर तरफ देखिए तो इधर भी एक 12 वोल्ट का पावर आउट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए कैन होल्डर्स हैं और ये कूल फीचर के साथ हैं। यहाँ से आप इसके फ़ैन को ऑन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे एयर आएगी और अगर आपने AC ऑन किया हुआ है तो यहाँ पे ठंडी हवा कैंस को ठंडा बनाए रखेगी। ऊपर साइड दिखाता हूँ तो ये देख लीजिए, इसमें डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है। आगे की तरफ आप यहाँ पे लाइट चेक कर सकते हैं। इस साइड पे दिखा दूँ तो देखिए वैनिटी मिरर है और इधर की तरफ टिकट होल्डर दिया हुआ है। चलिए आपको इसका बॉक्स भी दिखा देता हूँ, तो ये देख लीजिए इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे Ertiga ZXi Plus में क्या कुछ आपको मिल जाएगा, सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिया, क्या क्या नया अपडेशंस हुए ये भी आपने चेक कर लिया। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो दोस्तों ये अब 6-speed ऑटोमेटिक में आ रही है और मैनुअल 5-speed में आएगी। यहाँ पे जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा रिवर्स गियर, ये देखिए टॉप मोस्ट वेरिएंट दोस्तों कैमरा आता है, जिसका डिस्प्ले देखिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम पे शो कर रहा है विद गाइडलाइंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको वापस करता हूँ पार्किंग मोड पे। तो दोस्तों हमने देख लिया Ertiga नेक्स्ट जेन Ertiga 2022 फेसलिफ्ट ZXi Plus में क्या कुछ नया आया है, सारी चीज़ें आपने जान ली। अब चलिए बात करते हैं इसके इंजन की, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों 2022 में कुछ चेंज किया है। दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं Ertiga का रीट्यून्ड पेट्रोल इंजन। यहाँ पे पावर एंड टॉर्क में थोड़ा सा चेंजेस किया है। ये है K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि 1462 cc के डिस्प्लेसमेंट में आता है। मैक्सिमम पावर बनाता है 75.8 किलोवाट का 6000 RPM पे एंड टॉर्क है 136.8 Nm का 4400 RPM पे। यहाँ पे पावर एंड टॉर्क थोड़ा सा पहले से कम किया है, लेकिन बेनिफिट मिल गया इसके माइलेज को। यहाँ पे पहले से माइलेज लगभग 2 किलोमीटर बढ़ गया। अब इसमें क्लेम किया जा रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.51 किलोमीटर पर लीटर का और 6-speed ऑटोमेटिक पे क्लेम है 20.30 किलोमीटर पर लीटर में। तो दोस्तों आपने चेक कर ली नेक्स्ट जेन 2022 Ertiga का टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi Plus, जिसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है और कई चीज़ें पुराने फीचर्स में इंप्रूवमेंट करी हैं। तो दोस्तों यहां पे सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी। दोस्तों कैसी लगी आपको मारुति Ertiga का 2022 वर्जन टॉप मोस्ट वेरियंट ZXi Plus, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।